सूरत डायमंड बूस ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग मार्केट है। यहाँ 4300 से भी ज्यादा ऑफिस यहाँ बन रही है और बॉम्बे के साथ जो लोग जुड़े हुए इन लोगों ने भी यहाँ बुकिंग करवाए, विदेश के लोगों ने भी यहाँ बुकिंग करवाया है। ये मार्केट यहाँ स्टार्ट होने के कारण रफ ट्रेडिंग और पॉलिश ट्रेडिंग दोनों का कारोबार एक ही जगह पे हो पाएगा और विश्व के अलग अलग कोने से बाहर भी जब यहाँ पे आएंगे तो एसएमई सेक्टर के जो लोग हैं जो मुंबई के अंदर अपने ऑफिस नहीं ले सकते थे, इन लोगों ने यहाँ इकोनॉमिकल वाइज बहुत कम प्राइस में उन लोगों ने मिल रही थी ऑफिस, सब लोगों ने बुकिंग करवाया है तो इन लोगों को डायरेक्ट फॉरेन बायर के साथ कनेक्टिविटी मिल जाएगी, डायरेक्ट क्लाइंट मिल जाएगी तो उसको प्रॉफिटेबल मार्जिन में भी थोड़ा बेनिफिट रहेगा। और दूसरी बात यह है कि वहां दो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वहां पे ट्रेडिंग हब तो दोनों जगह पे एक एक ऑफिस रखने के कारण एक्सपेंस भी बहुत लगता है। और ये कोविड-19 की परिस्थिति के अंदर दो साल की हमने देखा है कि मुंबई के अंदर जो परिस्थिति क्रिएट हुई है कारण के वहाँ कोविड की बहुत इफेक्टेड थे, मार्केट भी पूरा कोविड फर्स्ट स्टेज में बंद, पूरा मार्केट भी बंद रहा था, सेकंड वेव्स में भी ऐसी ही पोजीशन है। और यहाँ एक अच्छा बेनिफिट है, अच्छा माहौल भी है और लोकल प्रशासन का भी सपोर्ट अच्छा रहेगा और लोग जो यहाँ आएंगे उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिट ये भी रहेगा कि बाकी के जो सर्विसेज है वो एजुकेशनल सर्विसेज है, मेडिकल सर्विसेज है, खुद का अपना आवास लेना है तो मुंबई के कंपैरिजन में बहुत कम रेट में इन लोगों को यहाँ अवेलेबिलिटी इन लोगों की रहेगी। तो ये सब बेनिफिट्स होने के कारण ऑफिस उसके साथ जुड़े हुए कर्मचारी और लोकल जॉब क्रिएट भी होने वाले लोकल जो लोग हैं एजुकेटेड पब्लिक उन लोगों को भी यहाँ जॉब मिलेगी, वो भी उसको बेनिफिट मिलना है। और गुजरात सरकार से बहुत बड़ा फायदा ये है कि सबका इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ से फाइल होगा तो गुजरात सरकार की भी इनकम बढ़ेगी। ये तो 95% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अपना बिजनेस है, 5% ही लोकल मार्केट में अपना कंजप्शन है तो ये पूरा मार्केट के ऐसे सिचुएशन देखे तो विदेश आधारित ही पूरा अपना बिजनेस है। अभी तो जो ये प्रोजेक्ट की कॉस्ट ही 2500 करोड़ रुपया है, ऑलरेडी ये एडवांस पैसा लेके ही बनाया है तो फॉरेन ने और स्थानिक लोगों ने ही पूरा इन्वेस्टमेंट किया है, गवर्नमेंट का कोई सहयोग नहीं है, पूरा इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए लोगों ने और जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया इन लोगों ने ही इन्वेस्ट किया है। जो सूरत में डायमंड बूस जो बन रहा है वो 4200 लोग जो व्यापारी है कुल मिलकर बना रहा है, इसमें कोई कंपनी नहीं है बनाने के लिए, जो हम बोलते हैं सहकारी मंडल ऐसे एक कंपनी है सब मिलकर बन रहा है। ये सारे विश्व में से 175 देश में से जो पॉलिश डायमंड खरीदने के लिए बायरो सूरत में आएगा डायमंड बूस में, और जो रॉ मटेरियल है दुनिया भर में वो सब इधर डायमंड बूस में उसका ऑक्शन होगा और आने वाले 6 महीने में वो फाइनल हो जाएगा, वो अगले साल में इसका ओपनिंग भी हो जाएगा। और जो आपने जो बोला कि भाई एक कैसे ग्रीन बिल्डिंग, जो ग्रीन बिल्डिंग का जो नियम होता है सब पैरामीटर ग्रीन बिल्डिंग का नियम इसमें अमल है, वो बहुत अच्छे ढंग से बनाया है। और जो महानगर पालिका ने जो पानी हमको दिया है पानी भेजा वो पानी भी जो शुद्धिकरण करके हमने जो डेवलपमेंट किया है वो जो बिल्डिंग बन रहा है इसमें यूज किया है, ऐसे ग्रीन बिल्डिंग का सभी नियम उसमें अमल हुआ। जो आप सब जानते हैं कि जो पूरे डायमंड का बिजनेस है ये 100 पीस में से 90 पीस सूरत में बन रहा है तो सभी विश्व भर के डायमंड के व्यापारी है सूरत की धरती ऊपर ही काम करेगा। आने वाले सूरत दिन में सूरत की धरती ऊपर से 2 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट होगा। सतत 24 कलाक समाचार जो आ माटे डाउनलोड करो ईटीवी भारत ने।